ओलंपिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल से आगाज किया है। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में पहला पदक दिलाया है। चानू ने ये पदक 49 किलो वर्ग में जीता है और मणिपुर की रहने वाली चानू ने इसे सपने का सच होना जैसा बताया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने 21 साल बाद कोई पदक जीता है। चानू की इस कामयाबी पर पूरे देश में जश्न है और उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्ट में आप एकमात्र महिला थी, दैट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, मैं सारी वेटलिफ्टर इंडिया की वेटलिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेटलिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है, तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए, वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है चानू ने। चानू, आपको न्यूज 18 टीम्स के बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ओलंपिक्स में पहला मेडल लाने वाली हैं मीराबाई चानू। वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। इससे पहले साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वेटलिफ्टिंग में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है इसे। सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने इससे पहले मेडल जीता था। मल्लेश्वरी ने 2000 में ब्रॉन्ज जीता था। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। वेटलिफ्टिंग में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ओलंपिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल से आगाज किया है। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक दिलाया है। इतनी बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज्यादा खुश। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्ट में आप एकमात्र महिला थी, दैट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, मैं सारी वेटलिफ्टर इंडिया की वेटलिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेटलिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है, तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेटलिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए, वेटलिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है चानू ने। चानू, आपको न्यूज 18 टीम्स के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। मीराबाई चानू ने आज देश के लिए पहला मेडल जीता है और पदक ताली मार कर भारत का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू के कोच हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बड़ी खुशी है, पहले खुशियां मनाते हैं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है। जी बिल्कुल, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेटलिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेटलिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में, हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी, आप बाहर देश गए थे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए US भेजा था इस कम्पटिशन से पहले, क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेकर सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया, जैसा आप देख रहे हैं उस ट्रेनिंग के का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। आज एकमात्र देश की
वेटलिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे, इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। हाँ, चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे तो हमें सिल्वर मेडल से सबर करना पड़ा, बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था, आज एक कदम वेटलिफ्टिंग आगे गया है, ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है। और मीराबाई चानू के कोच थे जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने भी खुशी जाहिर की और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, एक गर्व की बात है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इससे पहले 2000 में वेटलिफ्टिंग में, अगर वेटलिफ्टिंग की बात की जाए तो ओलंपिक्स में कर्णम मलेश्वरी इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी और आज सिल्वर मेडल जिताया है भारत को। मीराबाई चानू ने देश के लिए गर्व की बात है, ओलंपिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल से आगाज भी किया है, इसी के साथ खाता भी खुल गया है भारतीय दल का।